नमस्कार, स्वागत आप सभी का बाजारों की चाल में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाटी और बाजार की चाल में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया यहां पे कमोडिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि आज शाम की कारोबारी सत्र में कृषि फसलों का वायदा बाजार कैसा कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और उस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय है। तो सबसे पहले यहां पे शुरुआत करें कैसे सीड से, देखने की कैसे सीड का अक्टूबर वायदा 6116 पर कारोबार कर रहा है, 1.5% की गिरावट है। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं IIFL सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता जी। आइए उनसे जान लेते हैं कि आज कृषि फसलों का हाल कैसा देखने को मिल सकता है। अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट टाइम सीवी पर। जी अखिलेश जी, नमस्कार। अनुज जी, देख रहे हैं कि कैसे सीड के अंदर 1.5% की गिरावट बनती हुई नजर आ रही है, आपको क्या लगता है, क्या ये पूरा कारोबारी सप्ताह कैसे सीड में इसी तरह कारोबार देखने को मिलता रहेगा और आने वाला कारोबारी सप्ताह कैसे सीड के लिए कैसे रहेगा? हालांकि हमने ज्यादा बारिश होते हुए देखी है, जो फ्रैक्शन आ रहा है यहाँ पे खदारी का ट्रेड रखना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड इसका पॉजिटिव है। जो भी डिप मिले, हमारी सलाह है कि वहाँ पे खदारी करके चले। हमें लगता है कि कैस्टर में आने वाले दिनों में अगेन हम 6400 से लेकर 6500 तक के लेवल देख पाएंगे, बट हमें लगता है कि डिप आया, ये करेक्शन जो है बाई का अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जी ये सनु जी, देख रहे हैं कि चना भी आज 5200 से कुछ नीचे लुढ़का है, 5195 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, 0.1% की करेक्शन है। आपको क्या लगता है, क्या चने में करेक्शन थोड़ी और गिराएगी और फिर वहां से बाइंग निकलेगी? देखिए, चने तो यहाँ पर आने वाले समय में हम कहते हैं कि स्टॉक यहाँ पर अराइवल हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं देखें तो जिस तरीके से फिजिकल मार्केट में आगे अराइवल बढ़ेगी तो भावों में नमी रहेगी, और अच्छी बारिश होने की वजह से भी हमने यहाँ पर एक अच्छी जो सेलिंग है वो फिजिकल मार्केट में देखी है। हमें लगता है कि अभी फिलहाल चने के भावों में दबाव रहेगा, एक्सपेक्टेड नीचे भाव 4900 तक के लेवल को दिखा सकते हैं, तो दालों के अंदर और चने के अंदर हमें नरमी देखने को मिल सकती है। जी ये सर जी, बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल देखने की काफी ज्यादा एक रेंज बाउंड देखने को मिल रहा है बिनौला खल के अंदर, ज्यादा कीमतें इधर उधर ज्यादा हिलती हुई नजर नहीं आ रही है, बहुत ही सीमित दायरा देखने को मिल रहा है 2500 के ऊपर का। आपको क्या लगता है, क्या बिनौला खल में ये दायरा कब तक देखने को और मिल पाएगा? देखिए, बिनौला खल के अंदर ट्रेंड पॉजिटिव है, कॉटन के भाव बढ़े भावों में हम आने वाले दिनों में तेजी और देख पाएंगे, तो यहाँ पर हमें खरीदारी की सलाह रहेगी। हमें लगता है कि बिनौला खल में भाव ऊपर में करीबन 2700 से लगा 2800 तक के लेवल दिखा सकता है, तो बिनौला खल के अंदर हमारी खरीदारी की सलाह रहेगी। डिमांड बढ़ने की वजह से यहाँ पर हमें लगता है कि भावों में तेजी का रुख। जी ये सर जी, देख रहे हैं कि मसाला पैक जो पिछले दो ट्रेडिंग सेशन से ठीक ठाक तेजी के साथ कारोबार करता नजर आ रहा था, आज उसके अंदर एक अचानक से गिरावट बनती हुई नजर आ रही है, आपको क्या लगता है, क्या मसालों में ये उठापटक का दौर आगे भी जारी रहेगा, कुछ तेजी और उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग? और देखिए, मसालों के अंदर ट्रेंड यहाँ पर हम देखें तो थोड़ा पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पर भी एक्सपोर्ट डिमांड है, और दूसरा अगर देखें तो भाव लोअर लेवल से एक्युमुलेट होते हुए दिखते दिए हैं। हमें लगता है कि जीरा, टर्मरिक और कोरिएंडर तीनों के अंदर ही अच्छी बाइंग यहाँ पर देखी जा सकती है, और आगे त्योहारी डिमांड भी है। हमें लगता है कि यहाँ पर ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा और मसालों के अंदर हम अगेन खरीदारी होते हुए देखेंगे। जी अनु जी, यहीं से बात करें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो ग्वार गम में देख रहे हैं कि 10,000 के ऊपर कारोबार तो करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन एक करेक्शन भी देखने को मिल रही है, और ग्वार सीड के अंदर भी 2% से ज्यादा की करेक्शन बनती हुई नजर आ रही है अक्टूबर वायदा के अंदर, आपको क्या लगता है, ये ग्वार में उठावटक का माहौल कब तक जारी रहेगा? जी जिसे अनुज जी बात करें अगर एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स की, तो एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से, इस हफ्ते में कुछ ट्रेडिंग सेशन से एडिबल ऑयल के अंदर कुछ नरमी बनती हुई नजर आई है, सरसों में भी देख रहे हैं कि 8400 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्या एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में गिरावट का रुझान अब चालू हो गया या फिर एक मुनाफा वसूली है? देखिए, सोयाबीन के अंदर हम नरमी देख सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में जो आवक है वो बढ़ती हुई दिखाई दी है मंडियों के अंदर, अब नई क्रॉप की अराइवल स्टार्ट हो गई है, और हमने देखा है कि इस बार जो अच्छी क्रॉप है वो देखने को मिली है, और क्वालिटी वाइज भी जो यील्ड है वो भी यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दी है। हमें लगता है कि सोयाबीन में और एडिबल ऑयल बाकी में रिफाइंड और क्रूड पाम ऑयल में कुछ नरमी का रुख भी देखने को मिलेगा, क्योंकि नई क्रॉप की आवक स्टार्ट होती हुई दिखाई दी है, और हमें लगता है कि उससे भावों में प्रेशर देखने को मिलेगा, और एक्सपेक्टेड है सोयाबीन के भाव नीचे 5400 तक देखने को मिल सकते हैं। जी ये सनु जी, बात करें अगर मस्टर्ड सीड की, तो सरसों में आपको क्या लग रहा है, देख रहे हैं कि 8400 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं पिछले दो ट्रेडिंग सेशन से?
देखिए सरसों के अंदर भी यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। हमें लगता है कि यहाँ पर मंडियों के अंदर जो है आवक है वो यहाँ पर बड़ी है, तो हमें लगता है कि थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर यहाँ पे हावी हो सकता है, पर भाव अगेन 8,300 तक देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमारा व्यू थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। हमें लगता है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की जो स्टेज है वो यहाँ पर आती हुई दिख रही है, पर भाव यहाँ पर कुछ नरम हो सकते हैं। जी अनु जी, वैसे अगर फंडामेंटल बेसिस पे देखा जाए तो सरसों के फंडामेंटल्स तेजी की ओर लग रहे हैं, क्योंकि सरसों का जो स्टॉक बताया जा रहा है अभी वो लगभग 30 लाख टन के करीब बताया जा रहा है, और जो न्यू क्रॉप है, नई जो नई फसल है, उसके आने में भी अभी 4 से 5 महीने का समय बाकी है। आपको क्या लगता है, क्या उस दौरान भी सरसों की कीमतें ऐसी ही देखने को मिलती रहेंगी आगे भी? हमें लगता है कि सरसों में अभी थोड़ा सा एक सेलिंग प्रेशर हावी रहेगा, हालांकि अभी क्रॉप आने में समय है और फेस्टिवल डिम भी है, फिर भी मुझे लगता है कि यहाँ पे जिस तरीके का पैटर्न बना है और जिस तरीके की है उससे लगता है कि भावों में कुछ नरमी यहाँ पर आ सकती है। जी अनुज जी, आपसे वो टॉपिक्स जानना चाहेंगे जिनके अंदर अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है। देखिए आज के लिए या फिर आने दिनों के लिए मुझे लगता है मसालों के अंदर ऊपर जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनुज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था एक छोटा सा कृषि फसल बाजार का अपडेट कि शाम के कारोबारी सत्र में कृषि फसलों का वायदा बाजार कैसा कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और उस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय है। फिलहाल बाजारों की चाल में बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना हुआ है मार्केट टाइम्स टीवी पर।